हरि ओ तत्स लोकम रणरंगधीर राजीवनें रघुवंशनाथ कारुण्यूपुणाक्रीरामचंद्रम शरण प्रपद्ये श्री श्री सीतामचंद्राय नम श्रीरामदूताय नम श्रीगुरुचरणेभ्यो नम रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर हिंदू महासभा की ओर से हम आपको संबोधित कर रहे हैं रक्षाबंधन श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल यह विशेष पर्व हम लोग आगामी सोमवार 19 अगस्त को मनाए जा रहे हैं यह पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन पड़ता है और इस साल पूर्णिमा जो होता जो है वो सोमवार को प्रातकाल से ही आरंभ होंगे और पूरे दिन तक पूर्णिमा की तिथि चलेगी पर्व का नाम है रक्षाबंधन बंधन का अर्थ होता है जैसे हम कहते हैं एक बॉन्डिंग होता है एक बंधन होता है दो इंसानों के बीच में जो एक दूसरे की रक्षा करने की संकल्प करते हैं हमारे यहाँ गठबंधन होता है स्नेह बंधन होता है आदि आदि और उनमें से एक यह रक्षाबंधन है वैसे जैसे रक्षाबंधन हम लोग सुनते हैं मन में आते हैं भाई बहन का ये पर्व है जो कि सही भी है परंतु प्रायः यह गुरु शिष्य के बीच का भी एक पर्व है पति पत्नी के बीच का भी एक पर्व है और दो हित मित्र के बीच का भी यह एक बंधन हो सकता है जहाँ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए संकल्प किया जाता है पौराणिक कथा के अनुसार चलें तो एक बार देवराज इंद्र देवासु संग्राम में जाने से पूर्व इनकी पत्नी इंद्रानी ने इनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके इनकी रक्षा की कामना की फिर यह भी कथा आते हैं कि लक्ष्मी माता पाताल लोक में निवास करने वाले बलि महाराज को अपना भाई बना करके इनको रक्षा सूत्र बांधते हैं वैसे उसी कथा के अनुसार से आज तक जब हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बलि महाराज के नाम से ही हम लोग मंत्र उच्चारण करके अपना रक्षा सूत्र बांधते हैं ये न बद्धो बरी राजा दानवेंद्रो महाबल तेनाम प्रतिबंधा मी रक्षे माँ चल माँ चल सो आगामी सोमवार को आप यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ बड़े भक्ति के साथ बड़े विश्वास उल्लास के साथ आप मनाएं और उस दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधेगा और मैं अपनी ओर से आप सबों से निवेदन करूं कि यद्यपि हम जानते हैं आजकल तो सब कुछ रेडीमेड तो मिलता ही है लेकिन आप मेरे से सहमत होंगे जो राखी आप अपने हाथ से बनाएंगे उसमें जो प्रेम जो समर्पण जो भावना होगी वह और कहीं नहीं होगा राखी बा बनाने के लिए आप रक्षा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो लाल पीला आदि रंग में आते हैं नहीं तो आप सूता लेकर के उसको रंगा सकते हैं और उसी को राखी बना करके आप अपने भाई को उनको चराएं और यह भी स्मरण रहे कि अपने भाई को राखी बांधने से पहले उस राखी को आप भगवान को चराएं अपने कुल देवता में अपने जी इष्ट देवता के सामने उनको चरा करके तब अपने भाई के हाथ में बांधें विधान इतना है कि भाई के सर को धक करके इनको तिलक आदि करा करके तब इनके हाथ में राखी बांधते हैं फिर उसके बाद इनकी आरती करके फिर एक दूसरे के मुंह मिठा करते हैं भाई बहन एक दूसरे के बीच में मिठाई आदि बांट करके एक दूसरे की शुभकामना करते हैं उस दिन हम अपने गुरु के यहाँ जा कर के अपने रक्षा सूत्र को भी बदलवाते हैं और साथ ही जो जनेवधारी होते हैं वह जा कर के अपने जनेव भी बदलते हैं श्रोताओं यह पर्व इस बार जिस दिन पड़ रहे हैं सोमवार का वार तो भगवान शिव का है और तिथि भगवान श्रीहरि का है इसलिए हम लोग ऐसा संजोग माने कि उस दिन श्री हरि और हर दोनों के आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहे हैं इसलिए आप सभी लोग बिना किसी भय के बिना किसी जिचक के आप सोमवार को यथाशक्ति यथा समय जो आपकी सुविधा अनुसार है इस पर्व को निभाइए और भगवान हरि एवं भगवान विष्णु की आप कृपा प्राप्त करें हिंदू महासभा की ओर से हम भगवान शिव शीर, भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के मनोकामना पूर्ण करें सभी भाई बहन की रक्षा करें गुरु शिष्य की रक्षा करें पति पत्नी की रक्षा करें और आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी ध्यान के लिए कोतिशा धन्यवाद ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति ही शांति ही शांति ओम श्री चंद्र अर्पण वस्तु साधुवाद जय श्री हरि